शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, जिसके कारण आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रीट लाइटों के अभाव में शहर के वार्डों में रात के समय अंधेरा रहता है, जिसके चलते वार्डों में चोरी का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही रात के समय वार्डों की गलियों से निकलने में परेशानियां उठानी पड़ रही है। बंद स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र चालू करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने बताया कि शहर के अधिकांश वार्डों में रात के समय लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है। इस हेतु कई बार परिषद की रोशनी शाखा में शिकायत की गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वार्डवासियों में रोष व्याप्त है और जनप्रतिनिधि अपनी सुनवाई नहीं होने से खफा है। आयुक्त से मुलाकात के दौरान कक्ष में रोशनी शाखा के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। इस दौरान पार्षदों की ओर से की गई शिकायतों को लेकर की गई चर्चा के दौरान रोशनी शाखा के कर्मचारी तथा पार्षदों के बीच कहासुनी हो गई। पार्षदों का आरोप था कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। इस बात पर रोशनी शाखा कर्मचारियों ने आरोपों को निराधार व झूठा बताया। इस बात को लेकर पार्षद पिंकी कुमावत तेज में आ गई। उन्होंने कर्मचारी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पार्षदों ने बताया कि हर बार कंपनी का बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। इस दौरान कई पार्षदों ने रोशनी शाखा के कर्मचारियों को हटाने की मांग कर दी। मामला बढ़ता देख आयुक्त ने कर्मचारी को काम करने की हिदायत देते हुए पार्षदों की समस्या का तुरंत समाधान करने का आश्वासन दिया। आयुक्त से मुलाकात करने वालों में पार्षद पिंकी कुमावत, रवि चौहान, हंसराज शर्मा, कुलदीप बोहरा, जय कड़ीवाल, मोहन सिंगारिया, सुनीता भाटी, गोपाल सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह राठौर, शंकर यादव, गोपाल झंवर, निर्मल पवार सहित अन्य शामिल थे। पार्षदों ने शहर की जो समस्या है लाइटों की, जो पूरे शहर भर में कई जगहों पर लाइटें बंद पड़ी है, इसकी शिकायत को लेकर के यहाँ जो संबंधित अधिकारी है रोशनी शाखा में राजेंद्र कुमार, उससे पार्षदों ने शिकायत की तो उल्टा राजेंद्र सिंह ने मतलब कि पार्षदों को संतोषजनक जवाब देने के बजाय उल्टा सीधा कहा और महिला पार्षद जो है उनसे भी अभद्र भाषा में बात की। इस दरमियान फिर कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब से हम मिले सभी पार्षद दल और वहाँ रोशनी की समस्या के लिए लेकर के अवगत कराया, बंद पड़ी लाइटों को लेकर के अवगत कराया। संबंधित जो कर्मचारी जो अभद्र भाषा में पार्षदों से बातचीत कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने मांग की है, तो हमें कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई इसको इस विभाग से हटा करके हटा दिया जाए। मैंने रोशनी विभाग में करीब 13 महीने से कंटिन्यू उनको मैं शिकायत कर रही हूँ, पर अभी तक कोई भी शिकायत का सलूशन नहीं निकला है। और जब आज मतलब सभी लोग सारे पार्षद मिलके और सारे पार्षद की यही समस्या है और आज हम सारे पार्षद मिलके आयुक्त साहब से जब बात की तो आयुक्त साहब ने हमारे को संतोषजनक जवाब दिया है। और जो सुरेंद्र उनका नाम है रोशनी विभाग में, तो उन्होंने हमारे लेडीज़ों से बदतमीज तरीके से बात की। लजीज व उत्तम खाने का बेहतरीन रेस्टोरेंट, जी हाँ, होटल राजमहल की नई पेशकश राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहाँ आप पाएंगे गार्डन रेस्टोरेंट और ऐसे रेस्टोरेंट की बेहतरीन सुविधा के साथ खाने की उत्तम व्यवस्था में चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, साउथ इंडियन, मैक्सिकन, लेबनेस वे और भी अन्य व्यंजनों के साथ भोजन की एक से बढ़कर एक वेराइटियाँ। तो आज ही चले आए राजरानी मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, होटल राजमहल, जोधपुर रोड, ब्यावर। फोन नंबर 01462224904224530।